भाई साहब क्या इमेज लगाई है, गौतम के लिए तालियां हो जाए। तो फाइनली प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं। देखो प्रिजर्वेटिव, आप इस पिक्चर को देखो, जो यहाँ पर हमारे टाबर बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, मैं आपको बताऊं बर्गर पिज्जा ऐसी फूड आइटम्स हैं जो कि मतलब सदियों तक तो पड़े रहे तो खराब ही नहीं होते, मतलब खराब मतलब वो पूरी तरह से अपने आप बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बर्गर पिज्जा नहीं खाना चाहिए क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, जबकि आपके तरबूज हो गया या फिर बाकी जो फ्रूट्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप ही गल के खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये अपने आप गल के खत्म ही नहीं होता, उस पर रुएं लगे रहेंगे, गंदे गंदे प्रिजर्वेटिव। चलो तो प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं, जो आपके फूड को प्रिजर्व करता है, आपके फूड को बचाता है, उसके बारे में बात करते हैं। चलो तो प्रिजर्वेटिव में ना सबसे बढ़िया प्रिजर्वेटिव वो है टेबल सॉल्ट। आपको पता है आपका अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होता, रीजन क्या है, उसके अंदर सॉल्ट है। आपने कभी गौर किया है कि आप सोल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव बहुत बार यूज किया जाता है, अलग अलग जगह पे सोल्ट को, टेबल सोल्ट को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये सोल्ट एक प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल, सेम एग्जांपल आप अचार वाला एग्जांपल ले सकते हो, आपकी मम्मी ने आपकी नानी ने कभी ना कभी अचार बनाया होगा, है ना। अचार में वो लोग क्या डालते हैं, एक तो नमक और दूसरा वेजिटेबल ऑयल। जितना वेजिटेबल ऑयल होता है उतने अचार के खराब होने की संभावना कम होती है। ओ माय गॉड, मुझे नानी का अचार याद आ गया, भाई साहब क्या अचार, वो अचार बेसिकली उसमें उसको आप जितना तेल में डुबो के रखोगे, ठीक है, उतना उसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं, या तो आपको पता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अचार के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह सोल्ट भी काम करता है और वेजिटेबल ऑयल भी काम करता है। लेकिन इसके अलावा एक और बात बताऊं मैं आपको, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एक तरह का क्या है, प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट इज अ प्रिजर्वेटिव। तो टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल ऑयल और सोडियम बेंजोएट अगर आप मार्केट से मिले तो वो आपके लिए प्रिजर्वेटिव की तरह होता है, मतलब कोई चीज उसमें सेफ रह सकती है। खाने वाली चीज की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कपड़ों को पता लगे हमारे कपड़े खराब ना हो इसके लिए तुम लोगों ने नमक के अंदर कपड़े डुबो के रख दिए, तेल के अंदर कपड़े डुबो के रख दिए। कपड़ों की बात नहीं हो रही है, खाने की चीजों की बात हो रही है।